अपने घरों में तमाम। जय मसीह के मेरे अजीजों, धन्यवाद हो आपका, आप सभी के लिए खुदावन का धन्यवाद देता हूँ आपकी उस प्रेम के लिए जो खुदा से रहा। और परिस्थिति चाहे कोई सी भी हो, लेकिन आप सभी ने, मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने घरों में खुदावन की आराधना और उपासना आज की होगी और प्रभु की उपस्थिति आपके घरों में, आपके जीवन में आनंद और आशीष का कारण रही होगी। मैंने भी आज सवेरे आपको मिस किया, लेकिन प्रभु की इबादत के अंदर हम सुबह चर्च में रहे और तकरीबन एक घंटे के अंदर हमने प्रभु की स्तुति भी की, प्रभु के वचन को भी दिया। और बड़ी कोशिशों के बाद मुझे एक ऐसा मौका मिला कि आज इस समय मैं आज इस पवित्र कलाम की खुराक को आप प्रियजनों तक पहुँचा सकूँ। मेरे अजीज़ों, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, परिस्थिति कोई सी भी हो, लेकिन ये केवल प्रभु का प्रेम है जो हमारी अगुवाई करता है। पिछले ऐश वेडनेसडे के उस बुधवार से आज तक हमने खुदा के कलाम को सुना है, और जैसा कि प्रभु में हमें विजन मिला, हमने 10 हुक्म बाइबल के पवित्र शास्त्र के आपके बीच में रखे, और तकरीबन अभी 6 हुक्म जो बाइबल में खुदावन परमेश्वर ने दिए हैं, इसराइलियों को दिए थे, और आज वो हुक्म मेरे और आपके लिए भी माने रखते हैं। संडे स्कूल से लेके MYF और MYF के बाद आज भी हमारे जीवन में वो वैसे ही हैं जैसे परमेश्वर ने हमसे उन आज्ञाओं का पालन करने के लिए कहा। लेकिन समय जैसे जैसे बीतता जाता है, मेरे अजीज़ों, मैं और आप कई बार उन आज्ञाओं को अपने जीवन में नहीं रख पाते और हम गुनाह कर बैठते हैं। लेकिन आज जो कलाम आपको दिया जाता है वो बहुत ही खास है, और ये वो हुक्म है जो परमेश्वर अपने लोगों से चाहता है कि हम यदि उसके हुक्मों को माने तो उसमें बने रहें और उसकी आशीषों में बने रहें। आज मेथोडिस्ट चर्च शादरा कलीसिया एक खास कलीसिया परमेश्वर की है, और इसलिए सभी के अंदर इस बात का दिल में और दिमाग में ये बात पाई जाती है कि मैं और आप परमेश्वर से जुड़े रहें। और किस तरह, मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह के माध्यम से खुदा का कलाम जो आदि में था वो आज हमारे साथ है। प्रभु के इसी कलाम में बढ़ते हुए आज की खुराक जो कुछ समय के लिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो निर्गमन और उसका 20वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत है। और वो वचन जो खुदा का है, 10 हुक्म में से ये 7वां हुक्म है। 6 हुक्म पे हम बातचीत कर चुके हैं और ये 7वां हुक्म है जो आज मेरे आपके लिए है। इसलिए मैं और आप अपने आप को तैयार करें ताकि इस कलाम को खुदा की ओर से समझें, सुने और उसको इन दिनों में इस्तेमाल करें जब हम को इस बार की दरकार है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके हुक्मों को माने ताकि बहुत सी ऐसी परेशानियों से बचें जो आज हमारे इर्द गिर्द होती हैं। इसलिए आइए अपने मनों को तैयार करें और एक प्रार्थना मांगें इस कलाम को समझने के लिए। प्रभु जी, हमारी मदद करें क्या, ताकि हम आपके कलाम को समझें, इस पर चलने के लिए तैयार हों, और अपनी जीवन की गलतियों में खुदावन हम तुझसे क्षमा चाहते हुए तेरी आज्ञाओं को पूरा करें, तेरे प्रेम में बढ़ें, और खुदावन तेरी महिमा का कारण हो। खुदावन मेथोडिस्ट चर्च कलीसिया के प्रत्येक बुजुर्ग और जवान बच्चों को और तमाम उन लोगों को जो तेरी महिमा के लिए रचे बसे गए हैं, खुदावन इस कलाम को उनके जीवन में आशीष का कारण ठहराएं। अपने दास को इस्तेमाल करें और इस कलीसिया को आशीषित करें, क्योंकि ये आपकी खून खरीदी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इस कलाम को समझने की आत्मा दें, आमीन। मेरे अजीजों, निर्गमन और उसका 20वां अध्याय और उसकी जो 14वीं आयत वो कहती है कि तू व्यभिचार न करना। यू शुड नॉट कमिट एडल्ट्री। दिस इज अ सॉलिड एंड सेवेंथ कमांड ऑफ गॉड The Almighty. For everyone who has been made, जो प्रभु की इमेज में, उसकी शक्ल और सूरत में बना है, और सबसे खास इंसान जिसको परमेश्वर ने अपनी शक्ल और सूरत में बनाया है, ह्यूमन बींग्स, मैन एंड वीमेन। मेरे अजीजों, आज मेरे और आपके लिए कलाम है। मैं और आप इस समाज में रहते हैं और इस समाज में मुझे और आपको किस रीति से चलना है वो रीति परमेश्वर कलाम बताता है। मेरे अजीजों, एडल्ट्री इज अ सिन अगेंस्ट गॉड।
ये व्यभिचार परमेश्वर के प्रति गुनाह है, और परमेश्वर के प्रति नहीं बल्कि यह अपने शादीशुदा जीवन में अपने साथी के प्रति भी एक गुनाह है मेरे अजीजों। यदि हम खुदा के कलाम को खोलें तो मत्ती के इंजिल उसका 5वां अध्याय और उसकी 27 से 30 आयत मेरे और आपके लिए बड़ी आशीष का कारण है। मत्ती के इंजिल उसका 5वां अध्याय और उसकी 27 से 30 आयत में कहता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वे अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए ये भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। मेरे अजीजों, ये कलाम, ये बाइबल मेरे और आपके लिए बड़ी आशीष का कारण है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इस गुनाह के कारण जो व्यभिचार का है, जो परमेश्वर के प्रति है या अपने संगी साथी के प्रति है, इस शादीशुदा जीवन में हम नरक में डाले जाएं। खुदा मुझे और आपको इसके जरिए संभालने और संभलने का मौका देता है। व्यभिचार के कारण आज मैं और आप इस बात को ध्यान रखें कि पत्नी का पति के प्रति और पति का पत्नी के प्रति और दोनों का ही परमेश्वर के प्रति जो समर्पण है मेरे अजीजों, वो भंग हो जाता है। केवल इतना ही नहीं बल्कि मैं और आप इस बात को भी जाने कि परमेश्वर मेरे और आपके जो वरदान हैं मेरे अजीजों, वो वायदे और वो वरदान भी परमेश्वर में क्षति हो जाते हैं। परमेश्वर जो आशीष देना चाहता है, अगर हम व्यभिचार उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, व्यभिचार के प्रति हम जागरूक नहीं है मेरे अजीजों, हम उस गुनाह से नहीं बच पाते हैं, तो मैं और आप इस बात को जानें कि प्रभु के वायदों और वरदानों दोनों की क्षति मेरे और आपके जीवन में होती है। कलीसिया को जानने की जरूरत है, और अगर हम समर्पण भंग करते हैं एक दूसरे के प्रति, परमेश्वर के प्रति, वायदों और वरदानों दोनों की क्षति हमें होती है, तो इसके कारण मेरे अजीजों एक बात सत्य है कि परिवार और परमेश्वर दोनों का अनादर हम कर देते हैं। इस आज्ञा को ना मानकर मैं और आप परमेश्वर और अपने परिवारों का अनादर कर देते हैं। यह जरूरी है मेरे और आपके विषय में इस बात को जानना, क्योंकि जब हम अनादर कर देते हैं तो परमेश्वर आज हमें आगाह देता है अपने वचन से, कहता है व्यभिचार को दूर रखें और समर्पण को ध्यान में रखें। मत्ती की इंजील और उसका 19वां अध्याय और उसकी 5 से लेकर 6 आयत में इसका खास जिक्र है। बाइबल जो मुझे और आपको समझाती है, कहती है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी देह के साथ रहेगा, अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे, जिससे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। ये परमेश्वर की बातें हैं मेरे अजीजों। और आज अगर व्यभिचार होता है तो एक इंसान, एक पति अपनी पत्नी को और एक पत्नी अपने पति के विरोध में पाप में जाती है, एक दूसरे को अलग व्यभिचार करता है जो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं। ये व्यभिचार हमारे संबंधों को झुठलाता है, और यही व्यभिचार मेरे अजीजों हमें अविश्वास योग्यता में बढ़ाता है, और व्यभिचार से हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं और हम बर्बाद हो जाते हैं। खुदा नहीं चाहता कि इस संबंध, झूठे संबंधों के द्वारा हम अविश्वास योग्यता में बढ़ें। परमेश्वर नहीं चाहता कि इस व्यभिचार से हम बिगड़ें, और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इस व्यभिचार के कारण बर्बाद हो जाएं। इसलिए समझ यह है कि आज हम इस कलाम की इस आज्ञा को प्रभु में माने। पवित्र शास्त्र बाइबल में व्यभिचार वर्जित है, और इतना ही नहीं बल्कि इसकी भर्त्सना भी की गई है, इसको नकारा गया है। व्यभिचार परमेश्वर के क्रोध और कोप दोनों का कारण ठहरता है। आज इस दुनिया में बहुत से परिवार उजड़ जाते हैं, क्योंकि ना तो उसे परमेश्वर की प्रेम होता है और ना पति पत्नी में परमेश्वर के वरदान।
इसलिए परमेश्वर का क्रोध और कोप दोनों ही उनके जीवन, वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन को बर्बाद करते हैं। इब्रानियों और उसका 13वां अध्याय यदि मैं और आप पढ़ें, इब्रानियों निकाल लें अगर आपके पास बाइबल है तो, इब्रानियों और उसका मैं और आप वचन निकालें, इब्रानियों और उसका 13वां अध्याय और यहां देखें 4वीं आयत में कहता है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्री गामियों का न्याय करेगा। वो सत्य परमेश्वर है और अपने वादों से मुकरने वाला नहीं है। गुनाहों से चाहता है कि हम पृथक हों, ताकि हम उसके क्रोध और कोप में ना आए, बल्कि प्रभु के वरदानों को हम पाएं। मेरे अजीजों, आज मेरे और आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि हम इन बातों का मन और आत्मा में ध्यान रखें। इसके साथ साथ मैं और आप इस बात को भी देखें कि पहला कुरंथियों उसका 6वां अध्याय उसके 18वें आयत में लिखा है, पहला कुरंथियों और उसका 6वां अध्याय उसके 18वें आयत में कहता है, व्यभिचार से बचे रहो, क्योंकि जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। इट्स अ सीरियस मैटर फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग हु आर देयर इन ए मैरिज लाइफ। और इस सीरियसनेस को हम जब ही जान सकते हैं जब हम परमेश्वर के इस कलाम को अपने दिल और दिमाग में रखें, इसकी आज्ञा को माने। मेरे अजीजों, हम देह के विरुद्ध पाप करते हैं, हम अपनी देह के विरुद्ध पाप करते हैं। गिनती जो बाइबल में है, गिनती की किताब और उसका 32वां अध्याय उसकी 23वीं आयत और भी ज्यादा सटीक रूप से काम करती है। कहती है, जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। जो हम पाप करते हैं, परमेश्वर की अनज्ञा करते हैं, उसके इस हुक्म को भी नहीं मानते मेरे अजीजों, तो कहता है जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। नंबर्स 32:23। क्योंकि पाप के परिणाम जो है, रिजल्ट जो है मेरे अजीजों, वो बहुत ही भयंकर होते हैं। कैसे कैसे, अगर हम इस चीज को जाने तो पाप का जो रिजल्ट है, जो अनज्ञाकारिता के कारण से है, वो हमें इमोशनल, फिजिकल और स्पिरिचुअली तबाह करने में कम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर इमोशनल देखें, भावात्मक रूप से व्यभिचार करते हैं तो हमारे अंदर एक दोष भावना पैदा होती है, हम अपने अंदर डरे होते हैं, हमारे अंदर चिंता होती है, हम आत्मसम्मान की कमी पाते हैं अपने अंदर, और व्यक्तित्व में हमारे विकार होते हैं और हम निराशा भरा जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इमोशनली वी आर एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स। अगर हम फिजिकली देखें तो फिजिकली शारीरिक रूप से मेरे अजीजों, अगर हम उस गुनाह को करते हैं, अनज्ञाकृत्य करते हैं, तो उस फिजिकल रूप में हम गैर कानूनी जीवन बिताते हैं और गर्भावस्था और गैर कानूनी संतान हमारे जीवन में परेशानी का कारण होता है। इतना ही नहीं, यौन संबंधी रोग और गर्भपात जैसे गुनाह हम लोगों से होते हैं। मेरे अजीजों, खुदा हमें बचने का आज भी मौका देता है। हम इमोशनली बचें, हम फिजिकली प्रभु में इन गुनाह से बचें। और एक और चीज जो कहता है, वो कहता है स्पिरिचुअली वी सिन, और अगर हम आत्मिक रूप से भी गुनाह करते हैं मेरे अजीजों, कहता है इस जीवन में तो हमें दुख मिलते ही हैं परमेश्वर की अनज्ञाकारिता करने पर, उस व्यभिचार के कारण। इसके साथ साथ आगे मिलने वाले जीवन में भी हमारे घाटे की संभावना रहती है। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एन इटर्नल लाइफ इवन आफ्टर डूइंग रॉन्ग थिंग्स इन टू द साइट ऑफ द लॉर्ड थ्रू दिस डिसोबीडियंसी ऑफ गॉड्स कमांड, डू नॉट have that adultery. You should not commit adultery. मेरे अजीजों, आज मुझे और आपको इसलिए इस व्यभिचार में स्वार्थी हमें नहीं बनना है। याकूब 1:4 में कहता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। और आप जानते हैं कि जब हम परीक्षा में पड़ते हैं तो परीक्षा हमें पाप में ले जाती है। मेरे अजीजों, ध्यान रखें, एडल्ट्री, व्यभिचार, जिसके खिलाफ परमेश्वर है,
मेरे अजीजों मुझे और आपको अभी भी समझने का मौका देता है। व्यभिचार एडल्ट्री इज इमोरलिटी एंड डिसोबीडियंस टूवर्ड्स सेल्फ एज वेल एज टू गॉड। अनैतिकता है ये, और इसके साथ साथ अनाज्ञाकारिता है ये स्वयं के प्रति और परमेश्वर के प्रति। अगर हम कहें एडल्ट्री इसके विषय में कहते हैं इट इज पनिशेबल, ये एक मृत्यु दंड के समान है। अगर हम देखें वचन में तो व्यवस्था विवरण 22 और उसकी 22वीं आयत में लिखा है यदि कोई पुरुष दूसरे पुरुष से ब्याही हुई स्त्री के संग सोता हुआ पकड़ा जाए तो जो पुरुष उस स्त्री के संग सोया हो वह और वह स्त्री दोनों मार डाले जाएं। इस प्रकार तू ऐसी बुराई को इज़राइल में से दूर करना, यानी आज अपने में से दूर करना है मेरे अजीजों। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एडल्ट्री एज पर द बाइबल इज पनिशेबल। सिमिलरली इट ब्रिंग्स परमानेंट एंड सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इन आवर लाइफ, पर्सनल एंड फिजिकल एंड सोशल लाइफ। स्थायी रूप से उस गंभीरता के परिणामों को हमारे जीवन में लाती है। अगर हम देखें तो खास तौर पे हम दाऊद के जीवन को यदि देखें तो दूसरा सैमुएल और उसका 11वां अध्याय और उसकी 1 से लेकर उसकी 17वीं आयत तक, इस बाइबल के अंदर 1 से लेकर 17वीं आयत तक दाऊद और बैतशीबा के बारे में बताया है। बैतशीबा उस जन की पत्नी जिसका नाम हित्ती उरिया था, उसकी पत्नी को पाने के लिए दाऊद के विषय में बताया गया है कि उसने उसको बुलाया, उसके संग सोया। और मेरे अजीजों जब उसको ये पता चला कि वो गर्भवती है तो उसने उसके पति को सबसे आगे वाली लड़ाई की उस लाइन में रख दिया जहां से उसका आना मुमकिन नहीं था। और अगर हम देखें दूसरा सैमुएल 11वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत, वहां लिखा है सवेरे दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर यूरिया के हाथ में भेज दी। उस चिट्ठी में यह लिखा था सबसे घोर युद्ध के सामने यूरिया को रखना, तब उसे लौट छोड़कर लौट आओ कि वह घायल होकर मर जाए। एडल्ट्री वॉज मेकिंग डेविड सिंफुल। मेरे अजीजों परमेश्वर का दास जिसके द्वारा यह गुनाह हुआ। और अगर हम आगे देखें तो 12वें अध्याय में नतान ने इस गुनाह के लिए दाऊद को बहुत लताड़ा और उसकी बात को सुन के दाऊद पछताया। लेकिन मेरे अजीजों जब उसने गुनाह कर दिया तो उसको परमेश्वर की ओर से दंड मिला। और दाऊद ने क्या खोया? बैतशीबा जो हित्ती उरिया की पत्नी से उससे जो बेटा हुआ वो मारा गया। मेरे अजीजों वो ऐसा बीमार हुआ कि दाऊद के किए हुए उपवास और दाऊद की हुई प्रार्थना और दाऊद का क्या वो अनशन सब कुछ व्यर्थ हो गया और वो बच्चा मर गया। मेरे अजीजों और नातान की बातें कि तूने तो ये सब अंधेरे में किया लेकिन ये सारी बातें जो तूने हित्ती उरिया की पत्नी के साथ कही वो उजाले में होगी। तलवार तेरे और तेरे घराने से दूर ना होगी। जो तूने उसकी स्त्री के साथ किया लोग तेरी स्त्रियों के साथ भरी दोपहरी में करेंगे। मेरे अजीजों एक बहुत बड़ा दंड उस जन के लिए था जो परमेश्वर का था और परमेश्वर के उस जन ने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करी। आज मैं और अपने जीवन को हम देखें कि हमसे कहीं ऐसी गलतियां तो नहीं होती हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा गुनाह है जो परमेश्वर और परिवार के प्रति है। मेरे अजीजों एडल्ट्री के विषय में ये गुनाह इट इज अ शेमफुल एक्ट टू सेल्फ एंड टू अदर्स। अगर हम वचन देखें और ये वचन नीति वचन 6:32-33, नीति वचन 6:32-33 में लिखा है परंतु जो परस्त्रीगमन करता है वह निरा निर्बुद्ध है, जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करेगा, उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नामधराई कभी ना मिटेगी। आज मेरे और आपके जीवन में इस शेमफुल एक्ट से बचने का मौका है। मेरे अजीजों खुदा का कलाम, खुदा की आज्ञा, खुदा की बातें, मेरे अजीजों ये जरूरी हैं कि हम इन बातों को अपने जीवन में ध्यान रखें और परमेश्वर के कलाम की तरफ मन लगाएं।
Adultery, it is despising God's words also, as well as God himself. हम परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं, हम परमेश्वर के वचन का तिरस्कार करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का तिरस्कार करते हैं. You should not commit adultery. और मेरे अजीजों, अगर हम खुदा के कलाम का तिरस्कार करते हैं, तो मेरे अजीजों, दाऊद के समान, उसका बार दूसरा सैमुएल उसका 12वां अध्याय और उसकी 9 और 10 आयत देखिए क्या कहती है. वचन कहती है दूसरा सैमुएल 12:9-10 में, तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वे काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है. हित्ती उरिया को तो तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपना कर लिया, और उरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला है. इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया है. गॉड डजंट वॉन्ट सो दैट वी कैन सिन अगेंस्ट हिम. God is our first love. We cannot sin against Him. He is our bridegroom. We cannot sin against Him. Family is lovable. We cannot sin against family. और अपने लिए भी, अपने प्रति भी हम गुनाह ना करें मेरे अजीजों. और परमेश्वर मेरे अजीजों उन लोगों से जो खुदा के अगुए हैं, और जब वो ऐसा काम करते हैं तो परमेश्वर उनसे बहुत खफा होता है, बहुत खफा होता है, जैसे दाऊद के साथ खफा हुआ. मेरे अजीजों, हम यिर्मयाह और उसका 23वां अध्याय और उसकी 10 से लेकर उसकी 14 आयत तक पढ़ें, तो मेरे अजीजों हमारे जीवन को परमेश्वर झकझोर ना मांगता है. यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय और उसकी 10 से 14 आयत में मैं और आप पढ़ें तो यहां लिखा है 10 से 14 में, क्योंकि यह देश व्यभिचारियों से भरा है, इस पर ऐसा शाप पड़ा है कि यह विलाप कर रहा है. वन की चराइयां भी सूख गई हैं, लोग बड़ी दौड़ तो दौड़ते हैं परंतु बुराई ही की, और वीरता तो करते हैं परंतु अन्याय के साथ. क्योंकि भविष्य द्वक्ता और याजक दोनों भक्तिन हो गए हैं, और अपने भवन में भी मैंने उनकी बुराई पाई है, यहोवा की ये वाणी है. मेरे अजीजों, 14वीं आयत में कहता है, परंतु यरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसे काम देखे हैं जिनमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अर्थात व्यभिचार और पाखंड. वे कुकर्मियों को ऐसा ही आप बनाते हैं कि वे अपनी अपनी बुराई से पश्चाताप भी नहीं करते. सब निवासी मेरी दृष्टि में सदोमियों और अमोरियों के समान हो गए हैं. मेरे अजीजों, हम दृष्टि में परमेश्वर की गिर जाते हैं, हम परमेश्वर के प्रेम से अपने आप में अलग हो जाते हैं, हम अपने घर के अगुए हैं. व्यभिचार हम ना करें परमेश्वर के प्रति और अपने परिवार के प्रति. अगर हम आगे बढ़े तो एडल्ट्री के विषय में लिखा है कि एडल्ट्री इन अ वे, एक तरीके से जो व्यभिचार है, इट मींस अनफेथफुलनेस टू गॉड. अगर हम ज्यादा जानकारी चाहें तो होशिया की किताब को हम शुरू से आखिरी तक पढ़ सकते हैं, अन्यथा अगर उसके 4वें अध्याय को देखें तो किस तरीके से परमेश्वर नाराज है होशिया के समय में, और वो होशिया के जरिए, उसके परिवार के जरिए आज हमसे और बातें करता है, हमें बचाने की कोशिश करता है. मेरे अजीजों, खुदावन में प्रभु यीशु मसीह हमारा दुल्हा है और हम उसकी दुल्हन हैं. हमसे व्यभिचार ना हो, हमें तैयारी का मौका आज भी परमेश्वर देता है. एडल्ट्री इज अ सिन व्हेन इट गिव्स द इनोसेंट पर्सन द राइट टू एंड द मैरिज बाय डाइवोर्स. जब कोई किसी को आज डाइवोर्स देता है तो एक तरीके से एक व्यभिचार को वो और बढ़ाता है मेरे अजीजों. और यहां पर अगर हम इस बात के विषय में और जाना मांगे तो मती 19 और उसकी 9वीं आयत इस बात को बताती है. मती 19 और उसकी 9वीं आयत मुझे और आपको इसके बारे में बताती है मेरे अजीजों, जो मेरे और आपके लिए समझने की बात है. मती 19 और उसकी 9वीं आयत मैं आपके सामने यहां पढ़ रहा हूं. यहां लिखा है वचन में, मत्ती 19 और 9वीं आयत में, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरे से विवाह करे वह व्यभिचार करता है, और जो उसे उस छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है. खुदा कलाम है. वी मस्ट नॉट, हम लोग इस तलाक के विषय को आगे ना बढ़ाएं.
We must not encourage divorce because it is not good in the sight of God. Mere azizon, aaj mere aur aapko samalne ka mauka hai. Aaj unrepented adulterers have no inheritance in God's kingdom. They are separated from the life and salvation of God. जो लोग जो व्यभिचार करते हैं, आज व्यभिचार में फंस चुके हैं और वो पश्चाताप नहीं करते मेरे अजीजों, तो वे परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो पाते हैं, वे जीवन और प्रभु दोनों से दूर हो जाते हैं। आज ये हम पे सोच है कि हम किस तरीके से अपने आप को परमेश्वर के हुजूर में लाएं। We should not like to be separated by the Lord and His kingdom. God has given His Son so that we can receive His kingdom in His grace. आज मैं और आप गुनाह करें तो उसके अनुग्रह से वंचित हो जाते हैं, लेकिन आज खुदा मुझे और आपको मौका देता है कि मैं और आप उसके राज्य और उसके उस अनंत जीवन से वंचित ना हो और इस गुनाह से जो व्यभिचार का है अपने आप को दूर रखें, परमेश्वर को प्रिय हो और अपने परिवार को प्रिय बने। मेरे अजीजों, खुदावन मुझसे और आपसे आज यही चाहता है। पहला कुरंथियों 6 अध्याय और उसकी 13-20 आयत, पहला कुरंथियों 6 अध्याय और उसकी 13-20 आयत में कहता है, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा, परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए है। देह व्यभिचार के लिए नहीं बल्कि परंतु परमेश्वर की प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं, तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उनके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। 17वीं आयत में कहता है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो, बाइबल बार बार कहती है व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। और आगे कहता है 19वीं आयत में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? वी मस्ट रियलाइज दैट आवर बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ गॉड एंड इट इज नॉट फॉर एडल्ट्री बट इट इज टू प्रेज एंड वर्शिप एंड अडोर द ऑलमाइटी एंड होली गॉड एंड सीक हिज लव हिज विजडम एंड डू आवर बेस्ट टू ऑबे हिम इन हिज कमांड्स। यू शुड नॉट कमिट एडल्ट्री। कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हारे परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दान देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्राइज गॉड, यू हैव बीन चोजन बाय द लॉर्ड टू वर्शिप द लॉर्ड, उसकी महिमा करो। मेरे अजीजों, मौका मेरे और आपको मिला है, बहुत से लोगों को ऐसा मौका नहीं मिला। God is guiding us through His Spirit in these days. We must adore God. उसकी महिमा मैं और आप बने रहें। पहला यहुन्ना उसकी 1 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में कहता है, पहला यहुन्ना 1 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। A chance has been given to us. For everyone belong to God. मेरे अजीजों, यदि मुझे और आपको याद हो, व्यभिचारिणी स्त्री, यूहन्ना की इंजील 8वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में जब लोग उसे मारने के लिए पथरवाह कर रहे थे, तो यीशु मसीह ने आके उनसे पूछा, यदि तुम में से किसी ने पाप नहीं किया तो पहला पत्थर मारे। लोग वहां से चले गए और वो स्त्री अपने में रो रही, बिलख रही थी, डरी हुई थी, और परमेश्वर ने उसके पास आके प्रभु ने, यीशु मसीह ने कहा कि जा, अब से गुनाह ना करना। शी वॉज गिवन अ चांस। आई एंड यू हैव बीन गिवन अ चांस बाय द लॉर्ड टुडे। मुझे और आपको चांस दिया मेरे अजीजों। मुझसे और आपसे कहता है प्रभु यीशु मसीह, कहता है मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप ना करना। हम अपने जीवन में सोचें, समझें, प्रभु के मौके को ग्रहण करें मेरे अजीजों। रिपेंट
रिपेंट, पश्चाताप करें, गलतियों को माने और अपने परिवार से प्रेम करें, अपने परमेश्वर से प्रेम करें जो आपको और मुझे संभालता मेरे आशीषों। यू शुड नॉट कमिट एडल्ट्री। प्रभु क्षमा करने में तत्पर है, हम उससे मांगे। पहला कुरिन्थियों 7 उसकी 3 से लेकर 4वीं आयत में कहता है, पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का, पत्नी को अपनी देह पर व्यभिचार अधिकार नहीं, पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं पर उसके पति का अधिकार है, वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी को है। इसलिए मेरे अजीजों, दंड से बचने के लिए और दया को ग्रहण करने के लिए 10 हुक्मों को मानना बेहद जरूरी है। फिर से कह रहा हूं, दंड से बचने के लिए और दया को ग्रहण करने के लिए 10 हुक्मों को मानना बेहद जरूरी है। हर हुक्म को मानना बेहद जरूरी है ताकि प्रभु की विश्वास योग्यता कलीसिया में पर बनी रहे और प्रभु के वायदों और वरदानों से कलीसिया भरपूर हो, अपने लिए और सभी के लिए आशीष का कारण ठहराए। मेरे अजीजों, गॉड इज ग्रेशियस। आज मेरे और आपके लिए जरूरी है उसके अनुग्रह को प्राप्त करना। प्रभु का वचन कहता है मेरे और आपके लिए, यशाया नबी और उसके पहला अध्याय और उसकी 16-18 आयत, यशाया नबी पहला अध्याय और उसकी 16-18 आयत में लिखा है, अपने को धोकर पवित्र करो, नाउ इज द टाइम, नाउ इज द टाइम, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवों को सुधारो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यहोवा कहता है, आओ आपस में वाद विवाद करें, क्योंकि पाप चाहे लाल रंग के हों तो अभी वे हिम किनाई उजले हो जाएंगे और चाहे अर्गवानी रंगी के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। दिस इज अ चांस गिवन बाय द लॉर्ड। लेट अस ऑल टुगेदर, हु इज अंडर दिस सेम और दोज हु आर अंडर डिसोबीडियंसी अगेंस्ट द लॉ ऑफ गॉड। मेरे अजीजों, आज मैं और आप अपने गुनाहों को माने और इस चांस को अपनाए। यू नो व्हाई? वी मस्ट हियर इट केयरफुली। मेरे अजीजों, गॉड लव्स अस। यू नो व्हाई? आज मुझे और आपको मौका देता है। मेरे अजीजों, वी नो वी स्टिल हैव अ चांस इन मिडस्ट ऑफ दिस कोरोना कैओस। वी स्टिल हैव अ चांस इन दिस कोरोना कैओस। लेट अस रिपेंट, लेट अस कॉल द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड। Let us receive, let us revive, and let us rejoice for His glory always. मेरे अजीजों, ये खुदा का कलाम था, मेरे दिल में आपसे बात करने की इच्छा थी और आज बहुत सी कोशिशें की लेकिन खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं इस तरीके से आपसे मुखातिब हूं। मैं जानता हूं कि चर्च के टाइम पे मैं आपसे बात नहीं कर सका लेकिन ये मौका खुदा ने मुझे दिया है। आप अपने परिवार के साथ इस कलाम को सुनिए क्योंकि इसमें मेरा कुछ नहीं, इट इज ऑल फ्रॉम गॉड, इट इज ऑल द लव विच इज ऑफ गॉड इन क्राइस्ट गिवन टू अस इन दिस कैओस। वी हैव रिसीव अ चांस, कम टू हिम एंड लेट अस अंडरस्टैंड द लविंग गॉड एंड हिज कमांडमेंट विच इज बेनिफिशियरी टू अस। मेरे अजीजों, आज मुझे आपसे मौका मिला इस कलाम के माध्यम से आपसे बात करने का। आज आप नहीं जानते लेकिन मैंने आपको बहुत मिस किया है चर्च में, चर्च की संगति को, लेकिन आज उन खाली बेंचों पर मुझे आप दिखाई दिए। मैंने आपने कलाम को जो खुदा की ओर से है आज वहां पर कुछ समय के लिए कुछ अलग तरीके से बयान किया। वी सैंग फॉर द लॉर्ड, वी वर्शिप द लॉर्ड, ओ लॉर्ड एंड ही हेल्प्ड अस, ओ लॉर्ड we thank you for this moment and I thank for your life and the life of your families
खुदा आपके परिवारों को और आपके व्यक्तिगत जीवनों को आशीषित करें। ये आज सातवां हुक्म था। आने वाले समय में इसी तरह हो सकता है कि मैं आपसे बाकी बचे हुक्म भी शेयर करूं जो खुदा के हैं, और वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और सुनने वालों के लिए बरकत का बाइस ठहरे, क्योंकि खुदा अपने हुक्म के मानने वालों को अपने अनुग्रह से तृप्त करता है। वो वायदों का धनी है, उसके वायदे में बनिए, बरकत पाइए, और इस समाज में जिस तरह हम खुदा को पेश कर सकते हैं, एक अच्छे अगुओं के समान खुदा को पेश करें। एंड यू विल बी ब्लेसिंग टू योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड ऑल्सो टू द ब्लेसिंग टू हुम यू मीट इन दिस वर्ल्ड। मेरे अजीजों, आज जो भी महामारी है, आप अपने घरों में बैठ के दुआ करें, खुद बचें और दूसरों से बचें, और दुआ करें भारत सरकार के लिए, उनके कदम के लिए, उनके नीतियों के लिए, डॉक्टर की सलाहों के लिए, धार्मिक गुरुओं के लिए। प्रार्थना करें और प्रार्थना करें कि खुदा जल्द से जल्द हमें मिलने और अपनी संगति करने का मौका दे, ताकि हम एक आवाज में उसकी महिमा कर सकें। आई लव यू एंड आई प्रेज गॉड एंड आई लव माई गॉड फॉर यूजिंग मी दिस मोमेंट। गॉड ब्लेस यू एंड यूज यू माइटली। आप सबको प्रभु यीशु मसीह में मेरा और मेरे परिवार का सलाम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू एंड गुड नाइट।